1862 में आज ही के दिन भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी। भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, लेकिन ये संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। जम्मू और कश्मीर में इसके स्थान पर रणबीर दंड संहिता यानी कि RPC लागू होती है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई। इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे, विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता के प्रारूप को ही लागू किया है। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी लागू की गई थी। भारतीय दंड संहिता कुल 23 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल 511 धाराएं हैं। 1877 में आज एक दिन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राज सत्ता को सौंप दिया गया था। महारानी विक्टोरिया ने कभी भी भारत का दौरा नहीं किया और भारतीय प्रशासन का संचालन संवैधानिक शासक की हैसियत से करते हुए उन्हीं नीतियों का अनुमोदन किया जिसकी सिफारिश उनके उत्तरदायी मंत्रियों ने की। उन्होंने 39 वर्ष तक बड़ी ईमानदारी और न्याय के साथ शासन किया। 1941 में आज ही दिन बॉलीवुड अभिनेता असरानी का जन्म हुआ था। फिल्म शोले के जेलर के रूप में उन्हें ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई राजस्थान कॉलेज से पूरी की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने बतौर रेडियो आर्टिस्ट काम किया। असरानी अब तक तकरीबन 300 से अधिक हिंदी और गुजराती फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। वे 5 दशक से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा के अमूमन सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ अभिनय किया है। फिल्मी दुनिया में अभिनय के अलावा वह एक राजनीतिज्ञ भी हैं। उन्होंने साल 2004 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने पार्टी में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। 1978 को एयर इंडिया का बोइंग 747 हादसे का शिकार हुआ था। इस विमान में सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई हवाई अड्डे से दुबई के लिए उड़ान भरने के महज 101 सेकंड के भीतर यह एयर इंडिया का विमान अरब सागर में जा गिरा। इस विमान में 190 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। इस हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई। शुरुआत में इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि विमान में कोई धमाका या फिर बाहरी हमला हुआ था, लेकिन अरब सागर से निकाले गए मलबे से यह बात गलत साबित हुई। महीनों तक चली जांच के बाद पता चला कि विमान में किसी किस्म की तकनीकी खराबी आने के कारण यह हादसा हुआ। और 1995 में आज ही के दिन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। यह संगठन नए व्यापार समझौतों में बदलाव और उन्हें लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। विश्व व्यापार संगठन को जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर लाया गया था। गेट की स्थापना 1948 में तब हुई थी जब 23 देशों ने कस्टम टैरिफ कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। WTO गेट का वृहद स्वरूप है। जहां गेट मात्र मर्केडाइज सामानों को नियंत्रित करता था, वहीं WTO के कार्य क्षेत्र में सेवा व्यापार जैसे दूरसंचार और बैंकिंग और दूसरे मुद्दे जैसे इंटेलेक्चुअल संपत्ति अधिकार भी हैं। विश्व व्यापार संगठन में 160 देश सदस्य हैं। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।